तस्वीर लुधियाना के डीसी दफ्तर दियां ने जिथे एक महिला ने जहर निगल लिया। इस महिला का इल्जाम है कि उसने उसका सौरा परिवार ते होर रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं। यही नहीं जो किराए के मकान पर रहन जाती है तो उसनों उत्थों भी कढ़वा दिता जाता है। इस गल तो खफा हो के डीसी दफ्तर आई तो जहर निगल लिया, जिस तो बाद कुछ इस तरीके उसनों अस्पताल दाखिल करवाया गया है। तुसीं आप ही सुन लो किवें होई है वारदात। दैनिक वेद पंजाबी टीवी दे लुधियाना तो प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। की परेशानी क्यों सी, क्यों खाता जहर? लोगों पे चलो मेरे सारा परिवार है, मेरे सगे मम्मी मम्मी तंग कर रहे बहुत ज्यादा। की तंग क्यों कर रहे हैं? गलत काम में फोर्स किया जा रहा है। अच्छा, मेरे मम्मी ता साडा हक नहीं दे रहे, ता साडा ता किया जा रहा है भी सानू मम्मी ने ता घरों बाहर काढदा सीगा भी कुड़ी अपनी ना उत्ते दे दे दादी नु। किन्ने चेर हो गया ਤੁਹਾਡੇ ब्याह नु? ब्याह नु 4 साल हो गए। तो 4 साल तो तुहानू तंग किया जा रहा है? हां जी, लगातार परेशान किया जा रहा है। कितने चैन ना रेंट ते रह नहीं देंदे। तुसीं रिपोर्ट नहीं लिखाई थाने? रिपोर्ट लिखाई सी कि थाने बहुत बारी लिख के दित्ती है, बहुत बारी हर जगह ते प्राइम मिनिस्टर तक लिख के दित्ती होई। अगे पुलिस कार्रवाई नहीं कोई करदी हैगी। कंप्लेंटा 6 महीने तक अद्धी पईयां रहिंदी, रख के बह जांदे है। केड़ा थाने च दित्ती सी कंप्लेंट? एक सदर थाने। हां जी। ते वड्डी है भोवाल ते जगतपुरी। जगतपुरी थाने च की इंसाफ नहीं मिला? तुहानू इंसाफ किसे थाने च नहीं मिलदा। सराबा नगर मेन जगतपुरी वाले की कहंदे सी? जगतपुरी वाले तो ऐदा कहंदे भी ओना दी फेवर च बोलण लग जांदे, बाद च अंदर चौकी च बिठा लैणगे। हां जी। नहीं तुसीं खाली ही कर दो, रोई ना, ओना दी फेवर च अंदर कुछ नहीं कहंदे किसे नू। ते सराबा नगर एसएचओ मधुमाला मैडम। हां जी। नू सारा पता हैगा भी ऐदा धक्का हो रिहा साडे नाल। जदों ते दूजी पार्टी नू बुलाया नहीं जाता, उल्टा मनु डांटिया जाता भी तू अपना केस वापस लै लै, जेडी कंप्लेना खिलाफ दित्ती सारिया वापस लै लो ते सही रहूंगे। सर, एक जिहड़ा डीसी दफ्तर दे विच लड़की ने जहर खादा है और उहदे जो एलीगेशन लगा रही सी कि उहदे कोलों देर बाहर प्राण दे वास्ते बाहरों प्रेशर किया जा रहा है, की सर मामला है? साडे कोल इनफॉर्मेशन आई सी कि कोई लड़की जिहड़ी दरखास्त देण गई सी तो उन्हें जोड़ा है डीसी ऑफिस के उधर वॉशरूम करनी, उधर कोई पॉइजन कंज्यूम किया। उस तो बाद पुलिस ने डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने पहुँच के तो मौके उन्होंने सिविल हॉस्पिटल दाखिल कराया, जिद हले डॉक्टर सी साडा आईओ जो सिविल हॉस्पिटल भी गया सीगा। डॉक्टर्स ने हले उन्होंने बयान देने तो अनफिट घोषित किया। जो डॉक्टर्स उन्होंने बयान देने फिट घोषित करेंगे उस बाद उन्होंने बयान लिता जाएगा तो जो बनती कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, एक लड़की की एलीगेशन है कि वो काफ़ी टाइम तो लगातार थाना जमात हैपोवाल के भी, थाना सराबा नगर और कई जगह चौंकी जगतपुरी जाती रही है, लेकिन उन्हें कई कंप्लेंट्स फॉरवर्ड की और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा वो जिथे भी जाती थी धक्के चाहिए होंगी थी। लड़की का एलीगेशन है, की कहना चाहते? मेरी नॉलेज कुछ भी नहीं है। अगर कितने उन्होंने दरखास्त चलती है या कितने होया तो अपना कंप्लेंट्स जी दे सकते हैं, उत्तर जो भी जी बनती कार्रवाई वो की जाए। सर, लगातार उसे बयान देते हुए जिन्होंने कहा कि जिस परिवार के नाल जिस परिवार से मम्मी ब्याही हुई थी वो परिवार जिस दोस्त का काम करा रहा था, कुछ आइडेंटिफाई हो सके? तुम हजे जिदा लगातार 4 साल पिछले 4 साल तो अंदर जो चौंकी जगतपुरी से है वो लाता, लेकिन उत्थे लगातार कंप्लेन है नॉलेज के कोई आला अधिकारियों ने लियांदी नहीं गई? लड़की जी मैंने 1.5 साल हो गया जी, 2.5 साल हो गया वैस्ट भी रहा मैं। लड़की कभी भी साढ़े अपीयर नहीं हुई, कभी ना कभी मेरे कोई दरखास्त वो भी चल रही है अगे वो दे सकती है दरखास्त कहते, लेकिन उन्होंने कोई दरखास्त मेरे ना कभी अपीयर हुई है ना कोई दरखास्त देती है। जोड़ा चौंकी सिर्फ जगतपुरी वाला वेरीफाई कर लेने मैट्रीमोनल डिस्प्यूट शायद यदा अपने हसबैंड नाल चल रहा है, जोड़ा कि सराबा नगर थाने नहीं है उत्थे वूमन सैल है वो है। लेकिन सर, अज चाबी दी जाती है, लड़की कह रही है पिछले 6 महीनों तो लगातार मैं जगतपुरी चौंकी का चक्कर कर रही थी, अज एक मुलाजिम आके मैं चाबी देगा लो जी अपने घर से रहो, वो चाबी अज को दी गई, उन्होंने बाहर रहने मजबूर क्यों होना पे? सर देखो, जोड़ा ये किराए पर रह रहे हैं तो उन्होंने डिस्प्यूट है बेसिकली तो सिविल डिस्प्यूट है, वो अगर आपस किराएदार तो मकान मालिक की नहीं बनती पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, बेसिकली सिविल डिस्प्यूट है। अज ये आया सीगा कुछ शिकायत आई सी कि मकान मालिक जोड़ा है उन्होंने बाहर कढ़ रहा बाहर, उस करके वो जो मौके पर पुलिस गई है उस तो मकान मालिक को समझाया गया कि तुसीं इस तरीके बाहर नहीं कढ़ सकते, अगर कोई कार्रवाई करनी है तो अपना जाके कोर्ट में कर सकते हो। उस तो बाद लेडी अपना जोड़ा समान है अपना आप अंदर लै गए फिर उन्होंने अंदर दोबारा विच वड़े। लेकिन सर आज इस तरह सिचुएशन हो गई डीसी दफ्तर बाहर जाके पॉइजन पीना पै गया कि वो कह रही है कि मैं पहुंच अधिकार नहीं है या पहुंच अपने लुधियाना पहुंच दे तो विश्वास उठ गया इस करके मैं इस कैबिनेट तक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਫਿਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।